सोने चांदी के थोक व्यापारी से लूट की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना सरदारपुर तहसील के बोदरी जोलाना रोड की। सोने चांदी के थोक व्यापारियों से लूट का मामला प्रकाश में आया। आभूषणों से भरा बैग लेकर भाग रहा एक बदमाश कुएं में गिर गया, जिसको पुलिस ने बाहर निकालकर आभूषणों से भरा बैग जब्त किया है। इधर अन्य आरोपी फरार हैं। मामले को लेकर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। रिपोर्ट मुताबिक में चंद्र प्रकाश कटारिया ने बताया कि अपने लड़के अभिषेक के साथ सोने से तैयार आभूषण, जिनका वजन करीब 2200 ग्राम लेकर राजगढ़ बाजार व्यापार करने आया था, जिसमें करीब 500 ग्राम सोने के आभूषण राजगढ़ बेच दिए थे। वहीं राजगढ़ से 154 ग्राम सोने की डली एवं 16 किलो 500 ग्राम चांदी एवं बेचे हुए आभूषणों के एवज में करीब 25 लाख रुपए नकदी लेकर रविवार शाम करीब 6:30 बजे रतलाम के लिए कार में सवार होकर निकले थे। करीब 7 बजे बोदरी जोलाना मार्ग पर सामने से एक चार पहिया वाहन से बदमाशों द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे व्यापारियों की कार पलटी खाकर रोड के नीचे उतर गई। इतने में दो बाइक सवार पर करीब 4 बदमाश वहां आए और व्यापारियों की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया। व्यापारियों से मारपीट की गई एवं कार में रखे 3 झोले लेकर भाग गए। इस दौरान एक बदमाश ने फायर भी किया था। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। बैग लेकर भागते समय एक बदमाश कुएं में गिर गया, जिसको बाहर निकाला गया। पूछताछ करने पर बदमाश ने दत्ती गांव के नजदीक टिमरी पाड़ा निवासी भूर जालम सिंह नाम बताया है। घटना के बाद व्यापारियों से राजगढ़ निवासी परिचितों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सरदारपुर इलाज के लिए लाया गया। पुलिस द्वारा फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। रतलाम का एक जो ज्वेलर्स हैं कटारिया करके हैं, अपने पिता और पुत्र दोनों अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से जा रहे थे, तो सरदारपुर थाने के अंतर्गत बदनावर मार्ग पे उनको कुछ बदमाशों के द्वारा उनके साथ घटना घटित की है, जिसमें एक तूफान गाड़ी उनके सामने अड़ाई गई और उनको डैश मार के नीचे गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त किया गया और पिता पुत्र के साथ में मार पिटाई करके और मिर्ची का भी उपयोग किया है। और उस घटना में आरोपियों के द्वारा उनके साथ जो ज्वेलर्स वाला सामान था, ज्वेलरी और रुपए वगैरह, उनको लूटा गया है, जिसमें से एक व्यक्ति भागने में पास में कुएं में भी गिरा है। तो उससे के पास में जो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे उसको भी जब्त किया गया है, उसको हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से मौके पर पहुंची थी और घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगी हैं और शीघ्र ही इसमें बाकी जो भी अधिकतम अच्छे से बेस्ट कार्रवाई होगी की जाएगी और मुलजिम और माल को जब्त किया जाएगा। बता रहे हैं काफ़ी ज्वेलरी है, सारी जो जो रिकवर किया उसका वेरिफिकेशन और वेटिंग वगैरह करवा रहे हैं, बाकी जैसे ही शीघ्र होगा तो आपको उस खुलासा किया जाएगा। हाँ, इसमें जो प्रारंभिक रूप से जिसको हिरासत में लिया उसमें कहीं ना कहीं उसके द्वारा रेकी की गई है और बाद में घटना घटित की।